तो लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, औसत चाल निकाले थे, एवरेज स्पीड निकाले थे ना। वेलोसिटी कैसे निकालोगे देखो, तो वेलोसिटी के लिए कहा क्या गया, इसको लिखते कैसे हैं, वेक्टर बी से है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक। सदिश राशि का मतलब है अलग प्रकार की क्वांटिटी, अभी जब आएगा तब तो वहीं देखेंगे। तो वेलोसिटी क्या होती है, कोई भी पार्टिकल अगर कोई कण गति कर रहा है तो किसी फिक्स टाइम में या निश्चित समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग। तो क्या कहा गया, विस्थापन बटा समय, ठीक, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। दूसरी बात, मात्रा क्या बनेगा इसका भैया, मीटर पर सेकंड। डायमेंशन क्या बने, एल टी माइनस वन, इसकी यल हो जाएगी, समय के टी हो जाएगी, ऊपर भेज देंगे एल टी माइनस वन हो जाएगी। अब इसकी कैटेगरी कितनी बनाएगी, तो इसकी दो कैटेगरी बनाएगी, पहले कौन सी बनी, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा कौन सा बनेगा, तात्क्षणिक है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज में क्या होगा, अगर वेक्टर एवरेज निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब कुल विस्थापन बटा कुल समय, ठीक, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, किसी फिक्स टाइम पर कम समय में, बहुत छोटे समय में अगर पूछा जाए कि बताइए कि स्पीड कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक। किसी क्षण विशेष समय पर कण की जो, कण का जो वेग होगा वही क्या कहलाता है, तात्क्षणिक। जैसे ऐसे समझो कि मान लो आप कहीं जा रहे हो, एक स्थान दूसरे स्थान गए, भले ही आप कैसे गए हो, लेकिन जब आप पहुँचे वहाँ तो पूछा जाए भैया कितनी स्पीड से आए, तो जब आप बोले कि हाँ हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा से आए, तो वो क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा उसका, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई आप लगातार 50 किलोमीटर प्रति घंटा से आए हो, कहीं ब्रेक लगाए होंगे, ठीक, कहीं पर कोई दोस्त मिल गया होगा तो उससे थोड़ा रुके रुके बात भी किए होंगे, ठीक, दाएँ बाएँ इधर उधर चक्कर मकर भी तो किए होंगे, हो तो कुछ भी सकता है, भीड़ पड़ गई होगी तो ब्रेक लगानी पड़ी होगी, कहीं एकदम सन्नाटा रोड मिला होगा तो बहुत तेज चले होंगे, तो क्या हर जगह आपकी स्पीड बराबर रही, नहीं बराबर रही, ठीक। तो जब आपसे पूछा गया कि आप कितनी तेज आए, तो आप क्या बताए, लग 50 की स्पीड से आए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आए, तो ये क्या कहलाया, औसत। लेकिन कम समय में गाड़ी चला रहे थे और आपने पूछा किसी निश्चित टाइम पर, जब देखा स्पीडोमीटर कितने पर था, तो वो क्या कहलाया, तात्क्षणिक कहलाया, ठीक, दोनों में अंतर यही है। तो इसको कैसे लिखेंगे, वी इंस्टेंटेनियस, ये होगा, देखो कम समय में बात होगी ना, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, डेल्टा वी, डेल्टा एक्स मान लें, चलो अपॉन डेल्टा टी, तो ये बन जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब ये चेंज हो करके कम समय के लिए क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी टी, ठीक। अगर परिवर्ती कोई फलन आपके सामने आएंगे, ठीक, एक्स अगर टी का फलन हो और मान कैसा हो, बढ़ता हो या घटता हो, तो वहाँ पर हम ऐसी चीज़ों को वहाँ पर एनालिसिस करेंगे, ठीक, इतना समझ पाए। तो वेग क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक सेकंड में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। राशि कैसी है, सदिश राशि है, ठीक, मात्रक मीटर पर सेकंड, बीमा एल टी माइनस वन, दो कैटेगरी बनी, कौन कौन सी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल, इन दोनों और थोड़ा ग्राफिकल मेथड देख लीजिए, ये कोई पार्टिकल यहाँ चला, ऐसे 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 गति करता जा रहा है, हमने कहा कि इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन, चार हमने कण ले लिए। अब हमने कहा कि बताओ तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक वेग कितना है, वेग पढ़ रहे हैं, वेग पर बात करें, तात्क्षणिक वेग कितना है, तो अब इस पर स्पर्शी खींच दीजिए, इस कण पर पूछा तो क्या करना, स्पर्शी, टच करते हुए लाइन खींच दो इस पर, तो जब टच करते हुए लाइन खींचोगे ऐसे, तो ये क्या कहलाया, तात्क्षणिक वेग कहलाया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी ये, ठीक। कोई भी कैसो कर्व बना, लेकिन अगर आपसे हमने पूछा कि बताइए किसी फिक्स स्थान पर पूछा कि बताइए कि वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेलोसिटी कितनी है, मतलब इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी कितनी है, तात्क्षणिक वेग कितना है। तो आप क्या करना, जिस डायरेक्शन पार्टिकल गया उस पर ऐसे स्पर्शी खींच लो, इसे टच करते हो लाइन, तो वो जो डायरेक्शन बताएगा वही क्या होगी उसकी, तात्क्षणिक वेग होगा। इस कण यहाँ पर पूछा जाए तो ये यहाँ पर पूछे स्पर्शी खींच देंगे, यहाँ पर पूछा जाए ये बन गया, ये सब क्या बने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग है। इसका अगर हम परिमाण निकाल लेंगे तो स्पीड बन जाएगा भाई, ठीक है, इसका परिमाण अगर निकालेंगे तो क्या बन जाएगी, स्पीड आ जाएगी वो। अच्छा औसत कहा जाए इसमें बताओ, तो औसत कहा जाए इस वाले ए बी सी डी चार कण हैं, ए और बी के बीच में औसत, तो इनको मिला लेना है। अब इस दौरान जो वेलोसिटी बनी वो क्या कहलाएगी, औसत वेलोसिटी, एवरेज बन। इनके इनके बीच में कहा जाए तो ये डायरेक्शन बनी, इसमें इसमें कहा जाए तो ये डायरेक्शन बनी, ठीक। तो दो को मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा मुझे, औसत। और किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी फिक्स जगह पर पूछा जाए तो तात्क्षणिक हो जाएगा फिर वो, ठीक। ये तो समझ गए, अब देखो कैसे कैसे अपने को सवाल फेस करने होंगे। अगर हमको वेग निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी कहीं निकालनी पड़ेगी, तो अपने पास क्या क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट निकालना आना चाहिए, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बनाते हैं ना, एक पार्टिकल इधर गया ए से बी, ऐसे गया, ठीक, और ये दूरी चल के गया कितनी एक्स, फिर लौट के भी उतने आ गया, पहले गया इधर से और फिर पलटी मार गया ऐसे, ठीक। आपको बताना है दूरी क्या बनी और विस्थापन क्या बना। अगला एक में आप यही स्थिति बना लो कि केवल गया पार्टिकल, दूरी कितनी गया एक्स। अगर मान लीजिए कि कोई रास्ता इस प्रकार का है, ऐसे गया फिर ऐसे गया, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर। अगला टाइप देखो, ये 3 मीटर 4 मीटर और 8 मीटर 6 मीटर, ठीक। नेक्स्ट आप ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, ये ए डिस्टेंस, ए से बी गए, बी से ऐसे फिर ऐसे, ए से बी तक आना है, ये ए है ये बी है, तुमको क्या बताना है, दूरी और विस्थापन। अगला ऐसे गए, इस प्रकार गए, इधर गए और वापस आ गए, ठीक, साइड सब ए हैं। अब पूछा जाए बताइए सब जगह पर दूरी और विस्थापन बताओ, तो पहले केस में भाई डिस्टेंस कितनी बनेगी, भाई गया एक्स लौट के कितना या एक्स, तो कितना लेना है 2x। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आप एक बार एक्स अक्ष के धन डायरेक्शन में गए फिर नेगेटिव डायरेक्शन में उतना ही चले गए, तो विस्थापन कितना बन गया 0 लेना होगा आपको। यहाँ पर बोलो, हाँ डिस्टेंस कितनी बनी, दूरी कितनी बनी एक्स, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा केवल एक्स, यहाँ पर बराबर है। अच्छा यहाँ पर बोलो जरा, विस्थापन का मतलब शॉर्टकट ढूंढना है तुमको भाई, अगर यहाँ से यहाँ तक गए तो ये दूरी बनी, किसी भी रास्ते पर आप चल रहे हो तो रास्ता क्या बताता है, हमको केवल दूरी का ज्ञान देगा, ठीक। अरे समझ गए, मान लो यहाँ से अब विद्यालय गए आप, तो अपने पास देखो अब यहाँ से निकले दक्षिण डायरेक्शन में गए, फिर पूरब डायरेक्शन गए, फिर दक्षिण डायरेक्शन गए, फिर पूरब डायरेक्शन गए, तो रास्ता जो भी चीज़ है, जितना आप रास्ता चल रहे हो वो क्या है, डिस्टेंस दूरी है, ठीक है। रास्ता मुझे क्या सिखाएगा, दूरी केवल सिखाएगा, लेकिन अगर आप जैसे यहाँ से सीधे डायरेक्ट देख लो स्कूल किधर है, तो ये क्या कहलाया, डिस्प्लेसमेंट कहलाया, विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन में आप पहले कहाँ थे, यहाँ पर, पहुँचे कहाँ, यहाँ, और यहीं से फिर वापस चले गए, तो विस्थापन कितना हो गया,
अब यहाँ से अगर यहाँ तक आए तो विस्थापन उतना ही हो गया, मतलब दो बिंदुओं के बीच के प्रारंभिक और अंतिम, इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच की जो जितनी भी दूरी आएगी, मिनिमम दूरी, वही क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाएगी। ठीक, और तय की गई कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। फिर यहाँ से अगर मान लो सीधे ए से बी तक चले आए, रास्ता पकड़ के चले तो क्या चले हो, दूरी, डिस्टेंस हो गए। डिस्टेंस कितने चल गए, 4 + 3 = 7 मीटर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कैसे भाई, ए से बी देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो ये जो शॉर्टकट आपको नज़र आ गया, ये यहाँ से यहाँ देखो पॉइंट कहाँ है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की कम से कम जो दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन। इनिशियल और फाइनल कंडीशन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अच्छा ये तो राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, तो ये कितना आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर + 25 का वर्गमूल 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अरे तो ठीक, ऐसे बोलो डिस्टेंस, बोलो पहले डिस्टेंस कितनी बनी, 3 गए 4 गए 8 गए 6 गए, तो 4 3 7 टोटल कितने हैं, अरे ये 10 बन गए, 18 3 21 21 मीटर बना। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बोलो भाई, एक ये शॉर्टकट बना और एक ये बना, तो ये 5 मीटर इस ट्रायंगल से और ये कितना बना, 10 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 15 मीटर। ऐसा समझ पाए, चले यहाँ पर बोलो, ए गए फिर भी नीचे, फिर यहाँ पर, तो डिस्टेंस कितनी बनी, ए गए बी गए, रास्ता पकड़ के चले तो दूरी, रास्ता चले जाओ जितना चलते हुए क्या हुए वो, तो ए बी, तो ये भी तो ए, तो कितने बने, 2a + b। और डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए कितना बना, केवल यही तो, ये और ये स्टेज देख लो, यही तो शॉर्टकट है, तो कितना हो जाएगा, समांतर है। ठीक, अब बताओ यहाँ पर, यहाँ पर बोलो डिस्टेंस बोलिए, 4a, पूरा रास्ता टहल लो, 4a, अच्छा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा ना, इतना समझ गए। अब एक बात ये बताओ, हर जगह पर दूरी विस्थापन बराबर है कि कम ज़्यादा है, बराबर है कम ज़्यादा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर दूरी ज़्यादा है विस्थापन कम है, दूरी विस्थापन बराबर है, दूरी ज़्यादा विस्थापन कम, डिस्टेंस ज़्यादा विस्थापन कम, दूरी ज़्यादा विस्थापन कम, दूरी ज़्यादा विस्थापन, क्या समझ में आ जा, हमेशा के लिए कंडीशन बनानी हमको, डिस्टेंस जो होती है हम ये कह सकते हैं ना, डिस्टेंस बराबर हो सकती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, दूरी बराबर विस्थापन के हो सकती है, लेकिन ये भी तो हो सकता है, बराबर भी हो सकती है और हमेशा दूरी विस्थापन से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक भाई, बराबर कहाँ पर होगी, जब हम एक सीधा रास्ता पकड़ के चलेंगे, एकदम सीधा रास्ता पकड़ के चले तो दूरी विस्थापन बराबर, और अगर मुड़े इधर उधर तो दूरी ज़्यादा होगी विस्थापन कम हो जाएगा। हर जगह से यही बात क्लियर हो रही है, इतना समझ पाए, कहा बन नींद रहेगा, करवा पूछ रहा होगा। अब सुने इधर, अगर ये कंडीशन है, ये याद रहेगी ना बात, हमेशा याद रखिएगा, दूरी विस्थापन बराबर हो सकते हैं और विस्थापन दूरी से हमेशा कम हो सकता है यार। ठीक, दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा और बराबर हो सकती है, एक ही कंडीशन है वहाँ पर बराबर होंगे, बाकी हर जगह पर विस्थापन कम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या पता चला, एक तो ये कंडीशन निकली, दूरी विस्थापन से ज़्यादा या बराबर। अच्छा एक चीज़ और बताओ, यहाँ पर ये जो दूरी निकाले हो, कौन सी दूरी निकाले हो, टोटल दूरी, कुल दूरी है ना, ये कुल विस्थापन है, ये क्या है कुल दूरी, तो ये क्या है, मतलब टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट, दोनों बातें हैं। तो ज़रा औसत चाल और औसत वेग की कंडीशन बनाओ हमेशा वाली,
इन सब एग्जाम्पल से क्या पता चल रहा है कि कुल दूरी और कुल विस्थापन अलग अलग बन रहे हैं और बराबर बन रहे हैं। मतलब अपने पास क्या कंडीशन एक मिली, टोटल टोटल डिस्टेंस, हाँ जवान नहीं होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये कंडीशन बनी, अरे बनेगी। अब अगर ये दोनों अलग अलग बराबर हो सकते हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं भाई औसत चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज वेग क्या बनेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम बना। तो अगर ये दोनों चेंज हो सकते हैं तो इन पर भी तो फ़र्क पड़ा, क्या पॉइंट मिला अपने को कि एवरेज चाल जो होगी ज़्यादा हो सकती है और बराबर हो सकते हैं किसके, बी एवरेज के। दो कॉमन पॉइंट हमको मिले यहाँ से, ये याद रखने लायक चीज़ें हैं, ठीक है। अगर ये है तो ये भी है, किसी भी कण की औसत चाल औसत वेग के बराबर या ज़्यादा होगी हमेशा, ठीक। ये तो खैर सिंगल एक ही डायमेंशन में, दो डायमेंशन में था, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये टाइम सर्कुलर में देखो कोई पार्टिकल यहाँ से चला और यहीं पर पहुँच गया, रेडियस कितनी चल रही आर, ये ए पॉइंट से गया था और ए पॉइंट पर वापस आया, यहाँ से चले ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, रेडियस कितनी है आर, ठीक। अगला ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना, रेडियस कितनी आर, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, रेडियस कितनी आर, ये भी कितनी आर, ए से ए टू बी मूव करना है तुमको, ठीक। नेक्स्ट में सिक्सटी एंगल रेडियस आर, ये ए और ये बी, ये आर है, ये ए और ये बी, ये इक्वल लग रहे हैं ना, चलो ठीक। अरे समझ लेना ना, ये बराबर है, ये और ये रेडियस हैं, सब जगह पर तुमको टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कुल दूरी और कुल विस्थापन। यहाँ पे बताओ डिस्टेंस बोलो गति, ए से ए पर वापस आ गए तो पूरी परिधि घूमे ना, पूरा सरकमफ्रेंस घूम लिया, तो टोटल कितना चल गए 2πr, यही तो होगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बोलो, जीरो, वहीं पे आ गए ना घूम घाम के, इसमें बोलो डिस्टेंस कितनी होगी, पाई आर, कितनी बनी भाई, आधा ही तो घूमे पूरे का, तो पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना बना भाई, यहाँ से यहीं तो जाना है, तो यहाँ से अगर यहाँ आना है तो शॉर्टकट तो यही बना, तो यहाँ से ये आर और ये आर टोटल कितने बन गए, 2R बन गए, ठीक। इसमें बोलो, इसमें बोलो डिस्टेंस कितनी भाई, पूरे ये आधा है और उसका भी आधा ये है, अरे डिस्टेंस बोलो भाई, पूरे 2πr, आधा मतलब इसका आधा, अब जो पूछा जा रहा है उसका भी आधा, तो क्या बोलेंगे, 2πr/4 आते, तो भाई ये जितना था उसका आधा करा, ऐसा समझो, देखो 2πr का आधे पर बात हुई है तो कितना गया पाई आर, यहाँ पर उसका भी आधा मतलब कितना बना, पाई आर बाई
टू बनेगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बोलिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टकट, तो शॉर्टकट तो ये बना, इस पर तो जाना है, ये आर तो ये कर्ण कितना बना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, अरे यही तो आएगा रूट टू आर बाहर। ठीक, अगर आपको यहाँ समस्या लगी एक और तरीका बताएं, एक फार्मूला पढ़े होगे, एंगल इज इक्वल टू आर कपान रेडियस, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। एंगल यहाँ बोलो कितना चल रहा है 90, तो इसको 90 को अब रेडियन में लिखोगे भाई, 90 को पाई बटा 180 करा दीजिए, कोई भी एंगल हो पाई बटा 180 करा दो रेडियन बन जाएगा, तो ये पाई बाई टू बचे, तो मतलब पाई बाई टू। आर का कितना चल रहा है, चाप कितना है ए बी, चाप तो ये घूमना है, तो ये हो गया ए बी, त्रिज्या कितनी है आर, इसको अगर इधर भेज दो तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आर बाई टू, इतने तो लिखे रहो। ठीक है, अगर वहाँ से दिक्कत आ रही है भाई, यहाँ पर काम चल जाएगा, हमने देखा है कंप्लीट था, कंप्लीट का आधा, फिर उसका भी आधा, काम चला, यहाँ फंस जाओगे, यहाँ फंस जाओगे ना, यहाँ थोड़ी ना कंडीशन काम आ जाएगी, तब क्या करेंगे, अपने पास मेथड है चाप बटा त्रिज्या चले जाएंगे फिर, अब समझ आया। चलो ठीक, अगले में देखिए, यहाँ बोलो दूरी गती, अरे यही तो चलना है, इतना इतने तो चलना है, एंगल कत्ता 270, 270 को पाई बटा बराबर चाप बना ए बी, ए बी बना रेडियस कत्ती, ये अगर कटा दिया जाए तो ऊपर कत्ते आए, अरे तीन से कट जाएगा ना, तो छः नौ से कट जाएगा ना, नौ तीस 27 और नौ दूनी 18, ए बी बाई कितना आ गया आर, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 पाई आर बाई 2, गलती से गलती नहीं होगी, गलती से गलती नहीं होगी। तो ये क्या चीज़ें निकाले हो, डिस्टेंस हमने क्या निकाला है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, शॉर्टकट 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 ये तो यही तो चले आओ, तो अंडर रूट टू आ रहे तो आया, हाँ तो रूट टू आर, यह तो शॉर्टकट आते मैं वहाँ जाकर का जरूरत है, शॉर्टकट देखना है ना, अब वहाँ कोई घर पड़े कुछ पड़े हमसे क्या मतलब है, हमको देखना है तो देखना है, नहीं समझे। अगले में इसमें बोलो, इसमें बोलो डिस्टेंस पहले बताओ कैसे निकालोगे, भाई कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, कोण कितना चल रहा है 60 बोले तो पाई बटा 180, रेडियस कितनी है आर, तो ये कितना बचा अपने पास पाई बाई, अरे कटो 3 आर, इतने तो आया। डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलिए, ये शॉर्टकट, ये तो शॉर्टकट बना, अब देखो इधर इधर समझो, ये 60 है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड ये बराबर हो गई, ठीक, तो इसके सामने का एंगल कौन सा बना भाई, ये दो मिलके कितना बना रहे हैं 60, ये साइड बराबर, तो फिर यू एंगल बराबर, भुजा बराबर तो कोण बराबर, तो ये एक हो गया 60 और ये दोनों बराबर, तो 2x बराबर 180, तीनों कोणों का जोड़ 180, हम तो डायरेक्ट बता सकते कितना होगा, तुम कैसे निकालोगे, तो ये 60 उधर गए तो 2x बराबर आ गए 120, x बराबर 60, मतलब ये भी 60 और ये भी कितना 60, ठीक, तो कुछ समझ पाए, तो अगर सब 60 60 तो सभी भुजा बराबर, तो यू आर तो यह आर, अरे बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा आर, अब समझ पाए।
अरे समझ में आ रहा है ना, अगर ये सब निकालना रहा तो सवाल आपका कोई नहीं फंसेगा इनका, क्योंकि इन्हीं के बिना कुछ हो नहीं सकता भाई। आपको टोटल दूरी और टोटल विस्थापन यही निकालने हैं, और ये निकाल पाए तो टाइम की बात होगी, टाइम अपान हम कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएंगे सब औसत में। चलो इसमें बताओ, इसमें ये एंगल नहीं देते ना, एंगल है 120, एंगल कितना है 120। अब बोलो यही तो चाप है, तो ए बी जो होगा वो क्या कहलाया, डिस्टेंस। एंगल बना 120, पाई बटा 180, और रेडियस कितनी चल रही है आर, ये जीरो कट गए, इसको कितने से काटा जाए, 6 से, 6 × 12, 6 × 3 = 18। अरे ठीक, अब सुने डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये शॉर्टकट ए से बी तक, ये समान अलग देखो, यही तो बना है। अरे त्रिभुज यही तो दिख रहा है, ये आर ये आर, तो भुजा के सामने कोण ये, इस भुजा के सामने कोण ये, दोनों कोण बराबर, और ये कत्ता 120, तो तीनों कोणों का जोड़ 180, तीनों कोणों का जोड़, तो एक अगर 180 से 120 हटा दो कितने बचे 60, तो 2x = 60, तो x = 30, ये कत्ता बना और ये कत्ता बना 30। अब यो कत्ता हो जाएगा 60 × 60 = 180। अब ऐसे सवाल आएंगे तो मैथ तो इन्वॉल्व होगी, थोड़ा जूम करके बनाते देखो। अच्छा तो ये पता चला 30, तो यह पता बच्चा पता चल गया 30। अच्छा इस पर से लंब डालो जरा, इधर देखो 120 हटा रहे हैं ठीक, तो ये 90 बना, 90। तो हमको इतना मिल जाए तो ये भी बता सकते, इतने छोटे त्रिभुज में, ये जो छोटा त्रिभुज बना है ये है आर, और ये एंगल कितना है 30, आधार पता है, और 90 ये 90 है ना, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई और कोण के सामने वाली लंब हो गई, तो आधार चाहिए, क्या चाहिए, तो अगर इसमें हम कॉस थीटा ले लें इतने त्रिभुज में कॉस 30, तो आधार हो गया इतना, जिसको हम कुछ मान ले रहे हैं ए सी, कितना मान लें और कर्ण हो गया आर, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो ए सी कितना आ जाएगा √3/2, वो समझ आया, तो ये √3/2, तो ये भी √3/2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया 2r√3/2, ये तो कैंसिल हो गए √3r। हालांकि ज्यामिति निकाल सकते थे लेकिन ज्यामिति लंबे बन जाएंगे, इसीलिए क्या लगा लेंगे त्रिकोण में थी, क्या लगाएंगे, समझ आया, तो थोड़ा अगर टफ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, त्रिकोण में थी इन्वॉल्व कर लेना, जल्दी काम चल जाएगा, ऐसा होगा तो आप निपट लेंगे, ना बनता तो अभी इसी को लेके इसमें भी आते ठीक। हाँ तो मैथ का बेसिक ज्ञान होना चाहिए फिर, समझ गए, तो विस्थापन और दूरी निकाल लोगे ना, चलो इतना नोट करो फिर बताते हैं सवाल कैसे कैसे है फिर। चलो भैया इधर देखो, कुछ क्वेश्चन लिए उन्हीं पर ठीक, अब उस पर कुछ देख लो अपने आप, बाकी कर लोगे ना अपने आप हो जाएंगे ना, ये देख लो, जैसे क्या कहा औसत चाल और औसत वेग दोनों निकालने, कब निकालने, 0 से 2 सेकंड में, तो हमको कुल दूरी और कुल विस्थापन निकालना आता है, तो बटे में अगर कुल समय करते चले जाएंगे तो अपने आंसर आ जाएंगे सब। तो पहला काम चलो इसमें आओ, डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस तो यही चाप बनेगी, तो चाप ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोण गुणे त्रिज्या, कोण 45, 45 का मतलब पाई बटा 4 × 10 = 10,
अच्छा आप मिल गया, ऐसा ही तो है। तो कितने आएंगे, फाइव पाई बाई टू बचा, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, ये समझ पाए। तो अगर हमसे पूछा जाए डिस्टेंस बताइए, सॉरी तो डिस्टेंस तो यही हो गई, हमसे क्या पूछा गया औसत चाल बताइए, क्या निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी, टाइम कितना जीरो से दो, तो जोड़ दोगे तो कितना दो ही तो आएगा मीटर पर, अरे बन जाएगा इसमें आइए 270। तो आर्क कितना बना, ए बी, ए बी क्या होगी दूरी, दूरी कितनी बन जाएगी 270 को हम पाई बटा 180 इंटू त्रिज्या कितनी है 10। ठीक, अब ये कट गए, ये ऊपर कितने बचे भैया 3π/2 इंटू 10, तो 5 बचे, 5 थी 15π, ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो अगर हमसे एवरेज पूछ लिया जाए चाल, तो कितनी आएगी 15π/, टाइम कितना चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। पहले चाल निकालो सब में, इसमें बोलो अगर एवरेज चाल पूछी जाए तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी बनेगी भैया, यही तो बनी। तो ए बी जो होगी टोटल डिस्टेंस, कोण कितना बना 120, 120 अभी चेंज किया था कितना आया था 30 आया था, 120 गुड़े पाई बटा 180 और त्रिज्या कितनी चल रही है 10, तो ये कितना बना, ये कितना आया था, अरे 2π/3 इंटू 10 मतलब 20/3π, अरे सही है ना। तो चाल कितनी औसत बनी जा करके, टोटल दूरी कितनी है 20π/3/2, 2 से कट गया 10π/3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ तक क्लियर। अच्छा औसत वेग निकालो जरा, एवरेज वेलोसिटी क्या बनी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट चलो यहाँ निकालते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टकट, शॉर्टकट ना। अब ये 45, ये 45, तो ये एंगल और ये एंगल समान होंगे, बराबर बराबर, भुजा बराबर तो कोण बराबर। अब टोटल कोण कितना 180, 180 से 45 हटाओ कितने बचे 135, कितने बचे 135, तो 135 का आधा 135/2, मतलब ये बना 135/2, ये भी कितना बना 135/2, खैर छोड़ो। अगर हम इतने को बाहर निकालें और इस पर हम लंब डाल दें ऐसे, तो ये भैया 22.5, ये कितना हो जाएगा 22 सही 1/2, ठीक। और ये हमको निकालना पड़ जाएगा, फिर पहले सवाल टफ हो गया, तो इसको हम यक्स मान लिए, कितना मान लिए, अगर ये मिल जाए तो ये भी, ये उतना ही हो जाएगा डबल। ए से बी जो ये शॉर्टकट है यही विस्थापन है, तो आधा हम लंब डाल के निकाल लें भाई, कोण के सामने की भुजा क्या बन गई लंब, और 90 के सामने वाली क्या बन गई कर्ण। तो इसमें अगर हम साइन 22.5 ले लें, ठीक है, तो कितना बन जाएगा, लंब हो गया एक्स, कर्ण बन गया 10, तो एक्स बराबर आ जाएगा 10 sin 22.5 डिग्री, इतना हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 20 करके बन जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 20 sin, इतना अपान टाइम कितना लगा, तो 2 से इसको काट दें कितना आ जाएगा 10 sin 22.5। अब भैया ये जो मान आएगा आपके सामने ये किस में आएगा, अंश में है नहीं, इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू आएगी यार, डायरेक्ट मान आ जाएगा, उससे आप गुणा करा देंगे तो आपके पास वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। अब 22.5 का मान वहाँ से निकाल लेना मैथमेटिक्स से, कास्ट 2a के फार्मूले से, ठीक है, हाँ त्रिकोणमिति से मान निकाल लेना, ठीक। ये किस में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, इसमें बताओ ये समझ पाए, हाँ बिल्कुल वैसे काम करना है। यहाँ बताओ औसत वेग कितना बना, ये शॉर्टकट तो यही है 10 √2,
अरे त्रिज्या दस अंडर यह तो ये दस, ये दस, तो ये दस अंडर रूट टाइम कितना लगा, तो 5√2 मीटर पर सेकेंड। कुल विस्थापन, कुल विस्थापन तो यही है कितना आया, अगर ये आर ये आर तो ये आर अंडर रूट दो, तो ये दस ये दस तो दस अंडर रूट दो, बटा दो कितना गया, समझ पाए। इसमें बताइए औसत वेग निकालना है, अभी विस्थापन निकाले थे बोलो जरा कितना आया था विस्थापन, बोलिए कुल विस्थापन पिछले में, इसलिए डाटा चेंज नहीं किया भाई, शॉर्टकट ये बनेगा। तो ये कितना था अंडरवुड 3R पूरा R पर, तो रूट 3R टोटल हो गया, टाइम कितना लग रहा है और R की वैल्यू बोलो, R की वैल्यू कितनी है 10, तो काट देंगे तो 5√3 मीटर पर सेकेंड। कठिन लग रहे हैं क्या ये, हजम करके पढ़े भैया, इसमें बताओ ये तो बहुत आसान भाई, औसत अगर चाल निकालनी है तो कुल दूरी कितनी बनी 10, 5, 15 और 5, 20 है, 10, 10, 20, 5, 25 बटा मीटर पर। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो भैया शॉर्टकट 5 है तो है 5/2 मीटर पर सेकेंड, आसान बन गया। तो अगर दूरी विस्थापन आप निकाल पा रहे हो सब कुछ कर सकते हो। चलो इसमें बताओ बोलो औसत चाल कितनी, कुल दूरी कितनी बनी 21, पिछले ले लिया इसीलिए 21/2 दो क्यों टोटल टाइम, ठीक। अच्छा एवरेज बताइए वेग कितना बना, तो ये भैया हो जाएगा कितना 10 है तो आएगा पाइथागोरस प्रमेय से, और ये कितना आ जाएगा 5 और 10 5 15/2 मीटर पर। का कठिन है बताओ, सब चूरन टाइप है, हो जाएंगे ना। चलो इतने बनाइए पहले।